संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। भाषा विज्ञान में हमने दोनों वर्गों को जाना है, आकृति परिवार को और आकृति मूलक परिवार और पारिवारक। आज हम पारिवारक में जो हमने खंड किए थे, यूरेशिया खंड में एक भारूपी परिवार आता है और वो सिलेबस के हिसाब से हमको उसी का अध्ययन करना है। भारूपी परिवार के बारे में हम जानकारी अर्जित करेंगे आज, और ये मान के चलिए आज भारूपी परिवार में जो भी आज बताया जाएगा उसमें से पूरा प्रश्न ज्यों की त्यों ही बन जाते हैं। भारूपी परिवार, ठीक है, या इनकी भारूपी भाषा परिवार, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। भारूपी भाषा परिवार के हिसाब से इसका पूरा जो नाम होता है वो भारतीय और यूरोपीय के नाम से जाना जाता है। ये पूरा यूरोप तक फैला हुआ है, भारत का तो है ही है, लेकिन भारत के साथ साथ पूरे यूरोप में इसके परिवार फैले हुए हैं। इसको इंडो यूरोपियन भी बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप से 10 परिवारों को रखा गया है, और 10 परिवारों को वैसे तो हम श्लोक के माध्यम से अध्ययन करते हैं, और दो श्लोक हैं इसमें, लेकिन मैं एक ही श्लोक यहां देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि दोनों श्लोकों को एक दोनों व्यवस्था अलग अलग हैं। एक ही श्लोक से आपको दोनों ही बातें समझ में आ जाएंगी, इसमें क्या है क्या नहीं है वो अभी देख लेते हैं। इसमें दो चीज है, यहां बताता चलूं मैं। ये भारूपी परिवार को शतम वर्ग, शतम और कैंटम वर्ग के हिसाब से बांटा है। एक प्रोफेसर हुए हैं, उनका नाम था अस्कोली, तो उन्होंने शतम, हालांकि ये शतम जो है वो सतम था, उन्होंने जो बांटा था वो सतम शब्द लिया था। सतम शब्द जो है वो अवेस्ता एजेद से लिया है। तो उन्होंने दो मुख्य भाषाएं रखी। कैंटम वर्ग में उन्होंने लैटिन को प्रमुख भाषा के रूप में लिया, और सतम वर्ग में उन्होंने अवेस्ता एजेद को मुख्य भाषा के रूप में लिया। लेकिन भारतीय जो हमारे लेखक हैं उन्होंने शतम वर्ग यानी संस्कृत को मुख्य रूप से लिया है, फिर उसके खंड किए हैं। पहले हम सतम वर्ग और कैंटम वर्ग को जान लेते हैं। ये केवल भारूपी भाषा के अंतर्गत ही नहीं आते, और भी भाषाएं फिर इस द्वारा विकसित हुई है ऐसा माना जाता है। तो यहां पर देखेंगे फिर हम भारत जो भारूपी भाषा है इसमें याद रखना 10 परिवार आते हैं। वो कौन कौन से आते हैं वो हम आपको अभी बताएंगे एक श्लोक के माध्यम से, इसको जाना बड़ा ही सरल हो जाएगा। फिर उसको बताएंगे कि कौन सा परिवार शतम वर्ग में सम्मिलित होता है और उनमें कौन से परिवार कैंटम वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। शतम वर्ग में जो मुख्य रूप से अब जो भारतीय पद्धति से कर रहे हैं अध्ययन भारतीय हैं, तो हम सबसे पहले संस्कृत को ही ले लेते हैं। मुख्य जो याद रखना, कभी पूछ लिया जाए कि अस्कोली नाम के प्रोफेसर हैं, उन्होंने सतम वर्ग को आधार क्या बनाया था बांटने का, ठीक है। तो जो आधार रखा है अस्कोली जी ने वो अवेस्ता को शतम वर्ग के अंतर्गत आधार रहा है, और लैटिन भाषा को कैंटम वर्ग के अंतर्गत उन्होंने लैटिन भाषा को आधार रखा है। तो हम क्रम से थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा है, संपूर्ण तो नहीं है बता पाएंगे, लेकिन कुछ तो भाषा इसमें देख ही सकते हैं हम। तो संस्कृत ले लेते हैं पहले, संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, हिंदी, रूसी, लिथुआनियन, ये शतम वर्ग के अंतर्गत आने वाले भाषाएं हैं। इसमें देख लेते हैं, लैटिन, ग्रीक, केल्टिक,
तू खारी, गाथिक। गाथिक भाषा के बारे में हम जब ध्वनि विज्ञान पढ़ेंगे, यानी कि जो ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया है, ध्वनियों को जो नियम बनाया है, ध्वनि नियम बोलते हैं उनको मुख्य रूप से, तब उसमें गाथिक भाषा के रूप में भी जाना जाएगा इसको, गाथिक भाषा का उसमें अध्ययन किया था। इस तरह से ये हैं, इनके थोड़े से रूप देख लेते हैं संस्कृत में। और इसका जो आधार रखा है वो संख्या को रखा गया, 100 की संख्या थी, उसको विशेष रूप से आधार रूप में लिया गया, इसलिए 100 को शतम और कैंटम ये दो रूप में जाना जाता है। तो 100 संख्या रखी है, तो संस्कृत में 100 को शतम बोला जाता है, अवेस्ता में शतम, फारसी में सद, हिंदी में सौ, रूसी में स्तो, और इसमें सिजिमतास के नाम से जाना जाता है, लिथुआनियन में। इसमें है सिजिमतास, ठीक है, ये इसमें नाम है शतम वर्ग के अंतर्गत आने वाले। लैटिन भाषा में इसको कैंटम ही बोला जाता है, ठीक है। यहां पर जो शतम है वो अवेस्ता का है, शतम संस्कृत का है, इसलिए ऊपर शतम और शतम दोनों हैं। लेकिन कभी पूछ लिया जाए परीक्षा में कि अस्कोली जी ने शतम वर्ग और कैंटम वर्ग में मुख्य दो भाषाएं रखी थी, कौन कौन सी रखी थी, उनका आधार कौन सी भाषा था, तो याद रखना है हमको अवेस्ता और लैटिन, ये दोनों को याद रखना है। ग्रीक में है हेक्टोर, हेक्लोट। केल्टिक, ये आयरिश के नाम से भी जाना जाता है इसको, और ये कैट बोला जाता है। तोखारी में कंध, ये बहुत आती है कि शतम को तोखारी में किस नाम से जाना जाता है, तो कंध के नाम से जाना जाता है, ठीक। गाथिक में हुंड के नाम से जाना था, हुंड, HUND, ठीक। जर्मन में हुंडर्ट के नाम से जाना जाता है, फ्रेंच में सेंट, इसी को सेंट बोला जाता है। इटालियन में केंटो, ये नाम है। तो फिर एक बार और देखेंगे इसे, शायद इसमें कभी कभी गलतियां रह जाती हैं, तो ध्यान रखना है शतम वर्ग और शतम एक ही है, संस्कृत को हमने इसमें रख लिया है शतम के रूप में सबसे प्रथम, उसके बाद में अवेस्ता में शतम, फारसी में सद, हिंदी में सौ, रूसी में इस्तो बोला जाता है इसी को, लिथुआनियन में सिजिमतास, यहां अच्छे से पढ़ सकते हो सिजिमतास, इसमें हिंदी में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। लैटिन में कैंटम वर्ग में रखा जाता है, और ग्रीक में हेक्टोन के नाम से है, ठीक है, ग्रीक में हेक्टोन, और केल्टिक या आयरिश में केत, तोखारी में कंध, गाथिक में हुंड, जर्मन में हुंडर्ट, फ्रेंच में सेंट, और इटालियन में केंटो के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से शतम वर्ग और कैंटम वर्ग, इसमें याद रखना वर्ग है, ठीक है, 100 संख्या को आधार माना, इसके रूप में उन्होंने अस्कोली जी ने विभाजित किया, और इस तरह से ये संपूर्ण इसका विस्तृत रूप देखा जा सकता है। अब हम भारतीय भाषा परिवार को 10 जो शाखाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानेंगे, और ये देखेंगे कि किस भाषा को शतम वर्ग में और किस भाषा को कैंटम वर्ग में सम्मिलित किया गया है।
तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यही पे मैं एक श्लोक लिखूंगा और उसके बाद में यही सम्मिलित उसको कर देंगे। तो इसको मिटाने के बाद देखते हैं, श्लोक है ईरानी भारती चैव बाल्टी सुस्लाविकी तथा ईरानी भारती चैव बाल्टी सुस्लाविकी तथा आर्मेनी अल्बनी चेता शतम वर्गे समाश्रिता। तो अब हमको यहां पता चल जाएगा कि जो 10 परिवार हैं भारतीय परिवार में, उसमें से ईरानी भारती एक परिवार है पूरा, बाल्टी और स्लाविकी एक परिवार है, अर्मेनी एक है और अल्बनी एक है। ये जो है 1, 2, 3, 4, इन चार को शतम वर्गे समाश्रिता, ये बहुत आता है, ये याद रखना। इसमें से प्रश्न हमेशा रहता है पेपरों में, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो भारत के परिवार है उसमें से कौन सा शतम वर्ग में सम्मिलित किया गया है। तो ये चार जो हैं वो शतम वर्ग के अंतर्गत रखे जाते हैं, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, इटालियन चा ग्रीकी चा इटालियन चा ग्रीकी चा जर्मानिक कैल्टिकी तथा हित्ती तोखारिकी चेता केंटुम वर्गे प्रकीर्तिता। तो इसमें देखिए, इटालियन चा ग्रीकी चा, देखिए इटालियन नहीं है, इटालिकी है, ठीक है, इटालिकी चा ग्रीकी चा जर्मानिक कैल्टिकी तथा हित्ती तो खारी चेता केंटुम वर्गे प्रकीर्तिता। इटालिक यानी इटालियन और ग्रीक दो भाषाएं हैं, जर्मनी कैल्टिक हिट्टाइटी, हित्ती को हिट्टाइटी भाषा भी बोला जाता है, तोखारी, तोखारी की मतलब तोखारी, कितनी हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 भाषाएं केंटुमबर्गे प्रकीर्तिता अर्थात केंटुमबर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। तो हमने 10 परिवार में एक ही श्लोक से 2 चीजें सीख ली, नहीं तो इसके 2 श्लोक बनाने पड़ते। पहला तो जान लिया कि इसके जो परिवार हैं 10 शाखाएं हैं, 10 शाखाओं में कौन कौन सी भाषा आती हैं, ईरानी भाषा और भारतीय भाषा आती है, इनको आर्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है, एक है ये, बाल्ट और स्लाविकी एक है ये, बाल्ट बोलते हैं इसको या स्लाविकी, एक भाषा के अंतर्गत आता है, आती है ये। दूसरी है
अर्मीनी या अल्बानी, ये अल्बनी लिखा हुआ है, लेकिन जब हम श्लोक से बाहर आएंगे तो अल्बानी इसको बोला जाता है। तो एक भाषा है ये और एक भाषा ये, तो एक दो तीन चार, ये चार भाषाएं शतम्बर के अंतर्गत आती हैं, और इटालिक, इटालियन, ग्रीकी यानी ग्रीक, जर्मनी और कैल्टिकी, हेट्टाइट या हित्ती भाषा और तुखारी भाषा, ये जो छह भाषाएं हैं या शाखाएं हैं वो कैंटनबर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। तो यहाँ पर कैंटनबर्ग और शतम्बर्ग और कैंटनबर्ग के बारे में भी जानते हुए हमने जाना कि 10 शाखाएं भारूपी परिवार के अंतर्गत आती हैं। इस श्लोक के माध्यम से दिमाग में वो सही से बैठ जाती है, मात्र आपको चार पंक्तियां याद करनी है, क्रम से भी याद नहीं करनी, नहीं तो क्रम बैठाने में बड़ा समस्या होती है, भाषाओं को क्रम से कैसे याद किया जाए, कौन सी भाषा छूट जाए, कौन सी रह जाए। जब श्लोक याद हो जाता है तो फिर ज्यादा समस्या उसमें नहीं आती। एक बार बस को याद करना है, ईरानी, भारती, चय, बाल्टी, सुस्लाविकी तथा, इस तरह से याद करना है, ईरानी, भारती, चय, बाल्टी, सुस्लाविकी तथा, अर्मीनी, अल्बनी, चेता, शतम्बर्गे समाश्रिता, इटालिकी चा, ग्रीकी चा, जर्मानिक, कैल्टिकी तथा, हित्ती, तोखारिकी तय, चेता, केंटुम्बर्गे समा प्रकीर्तिता। इस तरह से ये श्लोक है और बहुत ही सरल श्लोक है। इसका एक श्लोक और था, जो दो श्लोक थे, अब मैं थोड़ा सा बताता चलूं। पहले जो श्लोक था उसमें बांटा गया था, उसमें बताया गया था कि भारूपी परिवार की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं। तो भारूपी परिवार की शाखाएं कितनी है, फिर दूसरे इस श्लोक में बताया गया है कि भारूपी परिवार की जो शाखाएं हैं उनको किस वर्ग में कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया है। अब बात तो एक ही हुई, हम जब ये जान जाएंगे कि कौन से वर्ग में कौन सी भाषा सम्मिलित थी और वो भारूपी भाषा ही होंगी, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उस शाखा के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं। तो हम पहले जानते हैं कि शाखा के अंतर्गत 10 भाषाएं आती हैं। 10 भाषाओं को हमने जाना कि एक दो यानी ईरानी और भारती, बाल्टी और स्लाविकी, अर्मीनी, अल्बानी, ये चार भाषाएं शतम्बर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, इटालिकी, ग्रीकी, जर्मनी, कैल्टिकी और हित्ती, तोखारी, ये छह भाषाएं कैंटनबर्ग के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। ये भारतीय भाषा परिवार की शाखाएं हैं, इनको विशेष रूप से याद करना। तो एक ही श्लोक से दो चीजें हमको पता चल गई कि इसमें 10 शाखाएं हैं, 10 शाखाओं के नाम क्या हैं, तो ये नाम भी पता चल गया, और कौन शाखा किस में सम्मिलित की गई ये भी पता चल गया। इसलिए मैंने जानबूझ करके वो एक श्लोक जो शुरू में था उसको छोड़ दिया है, और मैं कोशिश करता हूं कि चीजें ज्यादा समझ में आए और सरलतम विधि से समझना है, क्योंकि अध्ययन करने के लिए तो विस्तृत अध्ययन है, कितना भी कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि इतना लिखा गया है संस्कृत भाषा में, क्या सभी भाषाओं में, उसको पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। शॉर्ट विधि से कम जानकारी अर्जित करते हुए प्रश्न पूरे मिल जाए, तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आज मैंने दो चीज समझाई, कैंटम और शतम्बर्ग और भारूपी प्रवास की शाखाएं, दोनों में से एक प्रश्न अवश्य रहता है सभी परीक्षाओं में, और इससे हटके नहीं होता, ये दिमाग में सही से बिठा लेना, बस इतना ही याद करना है। इसको एक दो बार यदि देखेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर ये कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही।